स्वाइप किया? स्वाइप तो हो गया। अब देखते हैं मेन हमारा डाटा, मेन हमारा क्या है? हो गया, बच गया, विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग, विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग। समझ में आया? एशिया का लंबा वाइन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का लंबा वाइन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का लंबा वाइन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं एसआई टेलीकॉम से दुर्गेश और फिर से हम दोबारा लाइव आए हैं क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर क्लास चल रही है। कितने बजे से चल रही है बताइए? 11:30 बजे चल रही है। अभी कितने बज रहे टाइम के? 7:20 चल रही है। कंटिन्यू पूरी सॉफ्टवेयर क्लास चल रही है। ये हम बताना चाहेंगे ये हमारी 28 दिसंबर की बैच है और यहाँ पे लाइव है यहाँ पे, और हम यहाँ पे पहले एक बार भी लाइव आए थे और उनमें एसपी फ्लैश टूल के बारे में फ्लैशिंग दिखाया था। फिर से मेरे पास लाइव आ रहे हैं और फिर से वही MTK का कंसेप्ट है, अनलॉक टूल से कैसे फ्लैश होता भी है, नहीं भी है, फेक टूल है कि नहीं है, वो सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एक बात दिल से बताइए, क्या हमने अभी एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया क्या? लाइव कर रहे हैं, आपको ही पता चल जाएगा फेक है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर मैंने आपको रिविजन जरूर कराया है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने लाइव बता रहे हैं, पर यहाँ पे करके नहीं दिखाया है। और एक तो कंसेप्ट चलो ठीक है, फ्लैशिंग तो हमें नहीं पता कि शायद एक बार में इतना इजी देखा होगा हमने, क्या एक बार में इजी फ्लैशिंग देखा क्या फिर? नहीं सर, उसमें कुछ एरर ये वो नहीं कनेक्ट होना, बूट नहीं करना, बूट सीक्वेंस नहीं होना, बहुत सारी दिक्कतें आती है। पर हमारे पास तो चालू फोन था, थोड़ा इनको दिखा भी देते हैं। ये देखिए चालू फोन है और इसमें हमें डाटा भी बचाना है, इसमें हमें क्या करना है? तो चलो आप डाटा भी देख लो। तो ये सॉरी मैं गैलरी में आता हूँ और गैलरी में आने के बाद देख सकते हैं इसमें डाटा भी है ना भाई, डाटा फोन चालू है, IVI भी है, उसमें डाटा भी है। तो हम इसको ये टास्क है कि हम विदाउट डाटा लॉस फ्लैश करने वाले, कैसे करने वाले हैं? देखते हैं कि विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग सक्सेस होती है कि नहीं होती। तो चलिए अब उसके लिए आइए, कहाँ पे आएंगे सर? सबसे पहले बोलिए आप लोग कहाँ आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, जाइए फिर कहाँ जाएंगे बताइए? फ्लैश जाने के बाद हम यहाँ पे स्क्रीन लोडर क्या करेंगे? कब करना है आपको पता है, अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद और बाईपास क्या करना है, किस लिए करना है? ऑनलाइन वाले को ठीक रहने देंगे। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन होगा फोन, ऑनलाइन फोन होगा। सर्वर का मतलब क्या हो रहा है? अपना पर्टिकुलर मॉडल ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट हो रहा है, मतलब सर DA सेलेक्ट हो रहा है। क्या सेलेक्ट हो रहा है? चलिए ले लीजिए, हालांकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? फाइल लोड करेंगे, क्या करेंगे? एक बार दोबारा से फाइल लोड करिए, जाइए लोड स्केटर, हाँ यही फाइल है, यही हमारी फाइल है ना। देखिए पीडीएफ। एक बात बताइए, यहाँ पे वीवो की फाइलों के बारे में हमने डिटेल दिया है, वो सही डिटेल दिया है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताया आपको। तो चलिए ले लीजिए, फाइल लोड हो गई हमारी। अब हमें कस्टमर का डाटा बचाना है, तो क्या करना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ले लो, सबसे नीचे आइए, यहाँ पे आओ और माउस का स्क्रॉल करो, हाँ क्या कर दो उसको ठीक है, कर दिया ठीक है। अब सर इतना प्रोसेस करने के बाद सीधा फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कर दो फ्लैश बटन, जैसे फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेटिंग फॉर USB लिखेगा, मतलब आपको फोन कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। क्या करने के लिए बोलेगा? फोन कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, या तो अप या तो डाउन, या तो अप डाउन दोनों, या तो डायरेक्ट या तो डेस्क पॉइंट, या तो क्लॉक के साथ ग्राउंड, क्लॉक के साथ ग्राउंड लिख दिया वेटिंग फॉर डिवाइस। अब फोन को कनेक्ट करना है, फोन को क्या करना है? तो सीधा इसको डायरेक्ट पहले कनेक्ट कर दें, देखते कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सर बंद कर दिया। तो आपके सामने वीवो फोन की फ्लैशिंग विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग। चार्जिंग पे चला गया, फिर से निकालो। निकालो। काफी देर से खुला था, टूल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, टूल काफी देर से खुला हुआ था तो लाइव भी है, कोई नहीं। एक बार वैल्यू अप डाउन दबा के लगो, वैल्यू अप डाउन दबा के लगो। तो कैसे कनेक्ट हो गया? पहले बात बताओ, देखो हमने डायरेक्ट लगाया तो कनेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट लगाया तो कनेक्ट हुआ क्या? और फिर कैसे कनेक्ट किया? तो देखो आपके सामने लाइट यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि कनेक्टिविटी चारों पांचों छह में लिखवाई है ना, या तो डायरेक्ट या तो अप डाउन या तो अप या तो डाउन या तो हमारा टेस्ट पॉइंट या तो हमारा क्लॉक के साथ। तो आपके सामने हमने देखा बिना किसी एरर के, कोई एरर आया क्या? वन टाइम में फ्लैशिंग चालू हो गई सर, कितने टाइम में हो गई? वन टाइम में फ्लैशिंग आपके सामने एक वीवो फोन की, एक चालू फोन की, और देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं। तो ये लाइव में आप बने रहे थोड़ा सा, और हम आपके सामने सब कुछ दिखाया है, कुछ भी हाइड नहीं किया है, लाइव क्लास में चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोड़ देना रे अपना, वहाँ का नहीं रखना मतलब। तो ये रही हमारी, अब बताइए इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं सर, लोग बोलते हैं खराब है। अब आप ही इस लाइव रिजल्ट बताओ सर। हम तो नॉर्मल की कहीं से भी फ्लैशिंग कर सकते हैं पर वीवो की इतनी आसान फ्लैशिंग नहीं कर सकते सर, और वो भी बिना डाटा डिलीट किए। समझ में आ रहा है? हम ये तो आपके सामने लाइव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लाइव। हमारे कुछ व्यूअर भी लाइव देख रहे हैं, कुछ यूट्यूब में हो सकता है बाद में देख रहे होंगे, तो और हम यूट्यूब फेसबुक में भी लाइव है। थोड़ा भी फोन देना, तो ये देख सकते हैं अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो हम अभी लाइव क्लास चल रही है। ये हमारी लाइव क्लास है कि नहीं है? या हम पहले करके ये बताए थे क्या? तो ये हमारी ये लाइव क्लास चल रही है, जो कि अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर का काम हम सिखा रहे हैं। सारा माउस मैं पकड़ता हूँ, माउस कौन पकड़ता है? आज कितने लोगों ने चला लिया? 1 2 3। आपने नहीं चलाया, हम गलत रिव्यू नहीं देते, थोड़ा सा चलाया था फिर देखिए, हम गलत कुछ भी नहीं बताते, खासकर मैं नहीं देता लाइव गलत। तो यहाँ पे इन तीनों ने चलाया था, ये भी चला रहे और ये आप दोनों ने चला चुके हैं। तो एज अ फ्रेशर थे आप, इससे पहले आपने काम नहीं किया है, वो तो हम लास्ट में फाइनल रिव्यू लेंगे कैसा रहा ओवरऑल। तो अभी तक की क्लास कैसी रही? समझ में आ रही है? हम झूठ बोल सकते हैं पर ये झूठ नहीं बोल सकते। ये केवल कितना टाइम लिया इन्होंने? 13 सेकंड पूरे टाइमिंग के साथ फोन दिखाई चालू करके। डेड वेट हुआ कि नहीं? डाटा केवल निकालो, फोन देखिए डेड हो गया। आपके सामने एक चालू फोन, आपके सामने एक चालू फोन था कि नहीं था? अब मेन डाटा बचता है कि नहीं? चलो वो तो नॉर्मल था, अब चलिए देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता है। तो जितना इतना वेट किया है थोड़ा सा और वेट करिए और हम देखेंगे विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग कंप्लीटली हुआ कि नहीं हुआ। कैसा लगा? मैं प्रैक्टिकली चल रहे हैं क्या? बस थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी सारा प्रैक्टिकल दे रहे हैं, हर एक चीज नोट डाउन भी करा रहे हैं। तो देखिए जैसा फोन था वैसा ही ऑन हो गया, ये देखिए। अब चलो ठीक है, वो तो फ्लैश तो हो ही जाता, मेन था हमारा डाटा, मेन था हमारा स्वैप अप करे। यस सर, स्वैप अप किया, स्वैप अप तो हो गया। अब देखते हैं मेन हमारा डाटा, मेन हमारा क्या है? हो गया, बच गया। विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग, विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग। समझ में आया? यस सर, थैंक यू सो मच। ऐसा ना यूट्यूब में भी नॉलेज मिलेगा न कि सर सुना था जितना भी आईसी रहता है वो सब सप्लाई के बारे में, फ्रीक्वेंसी जनरेट आती है, डाटा और फ्रीक्वेंसी सब क्लियर किया सर। आईक्यू की लाइन सर कोई जानता नहीं, आप जानते हो? अभी तो नहीं जान रहा था, अभी 10 मिनट में हो जाएगा सर आईक्यू की लाइन। लास्ट आज नेटवर्क सेक्शन था हमारा, तो सर ने मुझे सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से आईसी पैडलाइन, सीपीयू पैडलाइन जो भी थे सारे सॉर्ट आउट किए। और अभी तक तो सिर्फ WTR जानता है, ज़्यादातर मार्केट में एक ही फॉल्ट चलता है WTR चेंज करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस आगे जाने को होते। मगर आज 2G PFO बाकी जितनी नेटवर्क IC थी उनके पैडलाइन से लेके CPU तक पूरी क्रैश करके, और इतना टफ लगता था नेटवर्क सेक्शन, आज बिल्कुल इजी कर दिया है। अनुज ये काम तुमने किया कि हर एक बच्चे ने किया? सबने किया। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी, पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया। वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया? सर डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टक्कर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस इंस्टेंस से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, और वो भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने है ना डुअल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा डुअल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने डुअल डेकर किया। सर डुअल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट